तो फ्रेंड्स रेडी हो गए हैं पाइनएप्पल की खट्टी मीठी बंगाली स्टाइल चटनी, बहुत ही यमी टेस्टी, बच्चे भी बहुत ही पसंद करेंगे और काफी न्यूट्रिशियस भी है। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कुक विद द बेस्ट। पाइनएप्पल या अनानास की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल पाइनएप्पल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर रखा है और एक बोल मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल को प्योरे करके लिया है। पाइनएप्पल को अच्छे से काट कर हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर हमने आधा नींबू का रस लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, चिली फ्लेक्स और चीनी हम इसमें यूज करेंगे। चीनी पाइनएप्पल के खट्टेपन पे डिपेंड करेगा और थोड़ा सा हम नमक लेंगे अपने स्वादानुसार। ब्लैक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट आप अपने चॉइस से ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं पाइनएप्पल की खट्टी मीठी चटनी बंगाली स्टाइल में। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें हम हमारा पाइनएप्पल का प्योरे ऐड करेंगे और उसके बाद हम हमारे पाइनएप्पल के चंक्स ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी देर इन्हें कुक होने देंगे। इसे हम लो फ्लेम में चलाते हुए कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून से कम ब्लैक सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हमारा पाइनएप्पल काफी थिक हो चुका है, इसमें हम शुगर मिलाएंगे। शुगर में 3 बड़े चम्मच मिला रही हूँ। कुछ हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे, काजू और किशमिश। अ पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स मैं इसमें ऐड करूंगी, ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे कुक होने देते हैं। अब काफी अच्छे से हमारी चटनी कुक हो चुकी है। देखिए काफी थिक हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है। मैं फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और इसमें अब मिलाएंगे हम आधा नींबू का रस। बस हम रेडी है सर्व करने के लिए। रेडी हो गई है हमारी पाइनएप्पल की खट्टी मीठी चटनी एकदम बंगाली स्टाइल में। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कुक विद द बेस्ट।